हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक और क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का। मैंने एक क्वेश्चन तो करा है और आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी समझाई है, और इनकम मेथड कराई थी और इनकम मेथड का एक क्वेश्चन कराया था। तो मैं एक्सपेंडिचर मेथड के मैंने वैसे बोला था कि एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी मैं एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, इसलिए मैं ये जो मेथड है वो आपको एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और हम अलग से क्वेश्चन डालेंगे कब, जब एग्जाम आएगी तब। तो सिंपली अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब यहाँ पे भी आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट बोला है करने का, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो आपको क्वेश्चन रीड करते हुए पता चल जाएगा। तो क्या है, सबसे पहला हमको देखना है कि कौन सी मेथड हम यूज करेंगे। तो हमको यहाँ पे जो भी वैल्यूज दी है वो सबको पढ़ के क्या पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो सिंपली एक्सपेंडिचर मेथड से हमको क्या मिलेगा, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी मिलेगा। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, और हमको फिर क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन प्लस क्या, चेंज इन स्टॉक, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो इन तीन को एग्जिस्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट क्या था जो मैंने आपको बोला था, वो ट्विस्ट है कि ये क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन ही नहीं दिया हुआ है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, और आपको दिया, अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ और आपको यहाँ पे ग्रॉस दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे दिया क्या है, नेट। तो नेट दिया है, तो जब भी हमारे पास नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा और डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, हमको जो वैल्यू मिलेगी नेशनल इनकम की वो क्या मिलेगी, नेट वैल्यू मिलेगी। हमको आंसर में क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब मैं सॉल्व करता हूं, क्या है, सबसे पहला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस क्या करना है फिर। अब यहां पे हम लिखते क्या है, नॉर्मली GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब क्या करेंगे हम, GDFCF प्लस क्या है, चेंज इन स्टॉक, सही है। तो यहां स्टॉक भी दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक भी हमको दिया हुआ है, और GDCF नहीं दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ है, NDCF। तो जब हमको ये NDCF मिलेगा, मतलब हमको ये भी NDCF मिलेगा, तो मतलब ये NDCF मिलेगा। तो अगर ये NDCF है तो आपको क्या मिलेगा, NDP मिलेगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इन दो को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, NDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, सही है, चेंज इन स्टॉक। अब लास्ट क्या रहा, लास्ट रहा नेट एक्सपोर्ट, तो प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अब हमारा आंसर में क्या आएगा, NDPMP इज इक्वल टू, वैल्यू मैं पुट करूंगा क्या है, 200 प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 600 प्लस क्या है, NDCF 100 प्लस क्या दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक माइनस 50, सही है, माइनस 50। तो अब मैं इसको माइनस 50 है तो मैं डायरेक्टली माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस 50, फिर क्या है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है, माइनस 10, तो इसको भी मैं क्या माइनस 10 लिख रहा हूँ, सही है, माइनस 10। अब मैं सॉल्व करूँगा क्या है, 200 प्लस 600, 800, 900, 900 माइनस 60, तो 900 माइनस 60 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉरी 600, 900 माइनस 60, तो हमको मिलेगा 840, क्या मिलेगा, 840। तो 840 हमारी वैल्यू आ गई, 840 नहीं है, हमने यहाँ पे गलती की, क्या है यहाँ कितना है, 200, 900 और 840, सही थी, 840 क्या हमारी वैल्यू है। अब 840 हमारी वैल्यू आ गई। अब ये हमको क्या मिला, NDPMP क्या है, करोड़ में, इन करोड़, तो सही है, ये हमको आंसर मिला। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए क्या फॉर्मूला है, नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला है NNP
एफ सी इज इक्वल टू एन डी पी एम पी। तो अब हमको क्या करना है, सॉरी एन डी पी एम पी, तो नेट टू नेट डेप्रिसिएशन की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक टू नेशनल तो क्या करेंगे, माइनस सॉरी क्या करेंगे, प्लस एन एफ आई ए, एन एफ आई ए। फिर क्या है एम पी, तो यहाँ पे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू है टू सॉरी वैल्यू है 840 सही है, प्लस एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला तो मैंने क्या क्या कर दिया, ये सब यूज कर लिया, अब ये हमको यूज करना है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो यहाँ पे सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो इसको हमको यूज नहीं करना, ये क्वेश्चन में कुछ काम नहीं लगेगा। अब दूसरा और कुछ चीज, तो ये नेट एक्सपोर्ट हमने कर लिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम यहाँ यूज करेंगे, और ये भी, तो ये चीज जो थी वो क्या थी, एक्स्ट्रा की चीज थी जिसकी हमको कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे कि जिसमें क्या है क्वेश्चन में कुछ फालतू की चीज दी होगी, तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है उसके। तो यहाँ पे क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम चाहे क्या चाहिए हमको, फ्रॉम एब्रॉड, तो यहाँ पे दिया हुआ है टू एब्रॉड, क्या दिया हुआ है टू एब्रॉड। तो जब भी टू एब्रॉड हो मतलब क्या है, हमारा एक्सपोर्ट है वो क्या है, नेगेटिव में, क्या है जो इनकम आई है वो नेगेटिव में। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो 20 है वो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 है, इसका मतलब क्या 20 माइनस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 20 माइनस कितना है ये 70, तो टोटल कितना हुआ 90, तो इसमें से 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा 750 करोड़, सही है 750 करोड़। तो ये क्या मिला, एनएनपी एफसी। तो ये सिंपल क्या था, ये एक सम था, कितना है 90 90, तो 750 करोड़। तो ये क्या हमने किया, एकदम सिंपल सम किया, जिसमें हमने क्या सॉल्व किया, नेट फैक्टर क्या किया, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, नेशनल इनकम फाइंड करने का बोला हुआ था, और हमको यहाँ पे थोड़े अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए थे और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन था, हमने उसको सॉल्व करके क्या फाइंड आउट किया, नेशनल इनकम फाइंड आउट किया। अभी एक और सम करेंगे हम अगले वीडियो में।